हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिग माय चैनल। आज अपन बात करने वाले हैं जो मोस्ट एमसीक्यू है, जो ओडी टेक्नीशियन एंड जो पैरामेडिकल की जो एग्ज़ाम आने वाली है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो पैरामेडिकल की जो अन्य एग्ज़ाम भी है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्टली ओडी टेक्नीशियन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें सारे क्वेश्चन मिक्सचर है, पैरामेडिकल के अलग जो कोर्सेज है उसके क्वेश्चन भी इसमें मिक्सचर है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम के अंदर आने वाले हैं। तो अपन बात करेंगे यहाँ पे देखिए, अपन बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। दो द सिलेंडर मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑन एनेस्थेसिया मशीन, एनेस्थेसिया मशीन होती है उसके साथ में कौन सी किस टाइप के सिलेंडर यूज़ किए जाते हैं। ऑप्शन देखिए यहाँ पे, टाइप ए वन है, टाइप बी है, टाइप डी है और टाइप ई है। तो उसमें जो मशीन के साथ में यूज किए जाते हैं टाइप ई वाले सिलेंडर यूज़ किए जाते हैं। तो राइट आंसर इसका डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइज ऑफ एंडोट्रेकियल ट्यूब रिक्वायर फॉर ए मेल अडल्ट पेशेंट, जो मेल अडल्ट पेशेंट होता है उसके लिए जो एटी ट्यूब होती है वो कौन सी किस टाइप की ट्यूब यूज की जाती है, यानी कौन सी नंबर की ट्यूब मोस्टली यूज की जाती है। तो इसमें ऑप्शन देखिए यहाँ पे, ऑप्शन दे रखा है चार। तो इसमें राइट आंसर वो है 7.5 से 8.5 mm की ट्यूब मोस्टली यूज की जाती है इसके बीच के अंदर। इसके 7.5 से 8.5 के बीच में जो भी ट्यूब आती है 7.5 या फिर 8 या फिर 8.5 की यूज की जाती है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कार्डिक अरेस्ट डिफाइनेज, कार्डिक अरेस्ट क्या होता है। ऑप्शन देखिए यहाँ पे, वेन हार्ट इज नॉट ब्रीथिंग इज वेरी फास्ट, या फिर वेन हार्ट इज बीट इज वेरी स्लो, या फिर वेन हार्ट स्टॉप्ड वर्किंग, या फिर वेन हार्ट इज नॉट एबल टू मेंटेन सफिशिएंट सर्कुलेशन इन बॉडी। तो इसका राइट आंसर है वेन हार्ट स्टॉप्ड वर्किंग, हार्ट जब काम करना ही बंद कर देता है उसको कार्डिक अरेस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे ऑटोक्लेव इज नॉट गुड फॉर, ऑटोक्लेव किसके लिए अच्छा नहीं है, किस कौन से इंस्ट्रूमेंट के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं, लाइनें नहीं, ग्लास रेंजेस या फिर डिस्पोजेबल पीवीसी आइटम। तो इसका राइट आंसर सी है, ग्लास रेंजेस के लिए गुड अच्छा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइडेक्स इज, जो साइडेक्स होता है वो इसमें क्या पाया जाता है, साइडेक्स के अंदर क्या होता है। ये ऑप्शन देखिए, 10% पोविडीन या लोडीन होता है, 2% ग्लूटराइड होता है, या फिर 4% सोडियम हाइपोक्लोराइड होता है, या फिर 2% ब्लीचिंग पाउडर होता है। तो इसमें क्या होता है, 2% ग्लूटराइड होता है, और राइट आंसर इसका बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करेंगे, जो 6 नंबर का क्वेश्चन है इसमें देखिए, रेंडल बेटर स्वर्क मास्क यूज किया जाता है, किसके लिए यूज किया जाता है, ग्रेट आर्टरी पेशेंट या पीडियाट्रिक पेशेंट या फिर कार्डियो पेशेंट या अडल्ट पेशेंट। तो इसका राइट आंसर बी है, पीडियाट्रिक पेशेंट में यूज किया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, जो पिन इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम है वो यूज़ किया जाता है एनेस्थेसिया मशीन के साथ में, किस लिए यूज़ किया जाता है, क्या काम होता है पिन इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम का। तो यहाँ पे देखिए, ऑप्शन टू अटैच एनी गैस सिलेंडर इन एनी योक असेंबली, या फिर टू होल्ड सिलेंडर सिक्योरली, या फिर टू प्रिवेंट इनकरेक्ट सिलेंडर अटैचमेंट, या फिर टू रिलीज सिलेंडर व्हेन नेडल। इसका राइट आंसर है सी, यानी ये रोकता है इनकरेक्ट सिलेंडर को अटैचमेंट से। जो CO2 का सिलेंडर है उसको ऑटो में लगने से रोकता है, ऑटो का सिलेंडर को CO2 में लगने से रोकता है, ये पिन इंडेक्स सेफ्टी सिस्टम काम करता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे 8 नंबर वाले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे देखिए, इन हेड इंजरी पेशेंट मेनेटोल इज गिवन टू, जो हेड इंजरी वाला पेशेंट है उसके लिए मेनेटोल दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, टू स्टॉप ब्लीडिंग, या फिर टू प्रोटेक्शन ऑफ नर्व, या फिर फोर प्रोटेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, या फिर टू रिड्यूस इंट्राक्रैनियल प्रेशर यानी ICP। तो इसका राइट आंसर डी है, रेड्यूस यानी ICP को रोकने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करेंगे, 9 नंबर का क्वेश्चन है, लिग्नोकेन 2% यूज़ किया जाता है, लिग्नोकेन 2% जो यूज़ किया जाता है मोस्टली जो अपन माइनर सर्जरीज करते हैं, माइनर जो छोटा मोटा प्रोसेस करते हैं उसके लिए यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर डी है, टॉपिक एनेस्थेसिया में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, बुप्योकेन यूज किया जाता है, बुप्योकेन क्यों यूज़ किया जाता है, बुप्योकेन जो ये होता है हाईली होता है, तो इसका यूज़ किया जाता है स्पाइनल एनेस्थेसिया के अंदर। तो इसका राइट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनेस्थेसिया मशीन बेडॉक सील आर पार्ट ऑफ, एनेस्थेसिया मशीन के जो पार्ट होते हैं वो कौन से होते हैं, हाई प्रेशर सिस्टम होता है, इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम होता है, लो प्रेशर सिस्टम होता है। तो इसमें ये कौन से किस पार्ट का है, बेडॉक सील कौन से पार्ट का है, तो ये बी पार्ट का, हाई प्रेशर सिस्टम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एंटोनॉक्स इज मिक्सर ऑफ, एंटोनॉक्स होता है किसका मिक्सर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का, एयर एंड नाइट्रस ऑक्साइड का, या ऑक्सीजन एंड नाइट्रस ऑक्साइड का, या फिर ऑक्सीजन एंड एयर का। तो राइट आंसर सी है, इसका ऑक्सीजन एंड नाइट्रस ऑक्साइड का मिक्सर होता है एंटोनॉक्स, जो मोस्टली दिया जाता है जनरल एनेस्थेसिया के अंदर दिया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करेंगे, न्यू सोडा लाइम एब्जॉर्ब करता है हाउ मच ऑफ CO2 पर 100 ग्राम,
कितना करता है न्यूट्रल आयन अब्जॉर्ब सी ओ टू 100 ग्राम पर, तो वो करता है ऑप्शन देखिए 10.2 लीटर या फिर 8.4 लीटर या फिर 26 लीटर या फिर 15 लीटर। तो इसका राइट आंसर सी है, 26 लीटर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्बू स्टैंड फोर, एम्बू जो एम्बू बैग सुना होगा नाम आपने, एम्बू ये होता क्या है, एम्बू की फुल फॉर्म क्या होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए एनेस्थेसिया मशीन ब्रीथिंग यूनिट या फिर आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट या फिर ऑटोमेटेड मशीन एंड ब्रीथिंग यूनिट या फिर ऑटोमेटेड ब्रीथिंग यूनिट। तो इसका राइट आंसर बी है, आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट होता है इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेटिव मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन स्पाइनल एनेस्थेसिया, तो उसका रूट क्या होता है स्पाइनल एनेस्थेसिया में, इंट्रा ओशियस रूट जो CSF होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड जिसमें स्पाइनल देते हैं, तो वो इंट्रा ओशियस रूट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना इन माइक्रोवेव स्टरलाइजेशन इज डन बाई, माइक्रोवेव का स्टरलाइजेशन जो करते हैं किस चीज़ का होता है, ड्राई हीट से होता है। राइट आंसर सी है इसका, टूनिकेट टाइम फॉर लोअर लिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना टूनिकेट टाइम फॉर लोअर लिम, जो मोस्टली जो ऑर्थोपेडिशन सर्जरी की जाती है तो उसमें टूनिकेट लगाया जाता है लोअर लिम के अंदर जो सेडेशन देने के लिए, तो उसका जो टाइम होता है मिनिमम कितना होता है, इसमें यहाँ पे ऑप्शन देखिए बी है, 120 मिनट तक दे सकते हैं अपन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।